सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी विषय की कक्षा में पाठ 11 पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने और समझने के लिए है। इसमें कोई भी किसी प्रकार के प्रश्न उत्तर या फिर अभ्यास नहीं है। तो बच्चों, आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। परंतु बच्चों, उससे पहले आप सभी को पाठ 11 अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साक्षी में खोल कर रखना है और मेरे साथ साथ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11, उचित अनुचित। बच्चों, यह एक चित्र कथा है, अतः इसमें कुछ पात्र आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक शेर पिंजरे में बंद है जो पंडित जी को कुछ कह रहा है। चलो देखते हैं कि वह क्या कह रहा है। पंडित जी, बहुत प्यास लगी है, कृपया पिंजरा खोल दीजिए। पंडित जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। तो शेर कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो मनुष्यों को खाना छोड़ दिया है, दया करो। अब पंडित जी को शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरा खोल दिया। बाहर आते ही शेर पंडित पर झपटा और पंडित जी कहते हैं, मैंने आपको बाहर निकाला, क्या मुझे खाना उचित है? अब शेर कहता है, उचित अनुचित मैं नहीं जानता, भूख लगने पर पेट भरना जीवों का धर्म है, किसी भी जानवर से पूछ लो। अब शेर पास ही खड़े हाथी से पूछता है, क्या भूख लगने पर भोजन करना अनुचित है? तो हाथी कहता है, नहीं स्वामी, उचित है। अब शेर पास से गुजर रहे भालू से पूछता है, क्या हाथ आए शिकार को खाना अनुचित है? तो भालू कहता है, उचित है। अब पंडित जी एक लोमड़ी से पूछते हैं, मैंने शेर को बाहर निकाला, क्या उनका मुझे खाना उचित है? अब लोमड़ी कहती है, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में, असंभव। हैरानी का नाटक करते हुए लोमड़ी बोली। अब लोमड़ी कहती है, कैसी बात बोलते हो पंडित जी, हा हा हा। लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी। लोमड़ी को समझाने के लिए शेर पिंजरे में घुस गया और शेर बोला, देखो मैं इसी पिंजरे में बंद था। लोमड़ी कहती है, अच्छा। अब लोमड़ी शेर के अंदर जाते ही झट से लोमड़ी ने कुंडी लगा दी और फिर कहती है, इस एहसान फरामोश का यही रहना उचित है। और पंडित जी लोमड़ी को धन्यवाद कर देते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से लोमड़ी ने बुद्धिमता से काम करके अपने आप को और पंडित जी को शेर से बचा लिया। बच्चों, हमें भी विपरीत स्थितियों में घबराने के स्थान पर बुद्धि से काम लेना चाहिए और सबकी भलाई का सोचना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।